हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दिशु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? सो यहाँ पर आप मेरी सेम एलएमपी देख सकते हैं 10/8/2019। तो ये जो मेरा अल्ट्रासाउंड है ना, ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था जब मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी। तो उस समय पर 5 हफ्ते ही हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएमपी के अकॉर्डिंग ना मेरी 6 वीक्स एंड 2 डेज था, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड में बेबी की एज आई ना वो 5 हफ्ते और 2 दिन आई थी, मतलब कि पूरा पूरा 1 वीक का डिफरेंस आया था। तो यहाँ पर ये कंफर्म है कि बेबी की जो मेच्योरिटी है, एज है, वो 5 वीक्स एंड 2 डेज है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एलएमपी डेट के तौर पर हम याद रखते हैं जो हमारी लास्ट पीरियड डेट होती है, कि हमें उससे कन्फर्मली अंदाज़ा हो कि हमारे बेबी की एज क्या है, कितनी है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यॉक सैक नॉट विजुअलाइज्ड, मतलब कि यॉक सैक भी नहीं दिखा था, नो डेफिनेटिव फिटल पोल सीन एट द टाइम ऑफ स्कैन, फिटल पोल भी शो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ा गई थी, मतलब कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मुझे इस टाइम पर, बिकॉज फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होना और उस टाइम पर फिटल पोल ना दिखना या यॉक सैक नहीं दिखना या हार्ट रेट भी नहीं आना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा नेगेटिव थॉट आने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी ठीक है या नहीं, बेबी हमारा मैच्योर बॉर्न होगा या नहीं। तो ये सारी टेंशन्स मेरे मन में भी आई थी और दिमाग ना बहुत टेंशन में आ गया था। आप बात करते हैं जो मेन थिंग होती हैं अल्ट्रासाउंड में, वो ये देखने की होती हैं कि आपका बेबी 1 है 2 है, मतलब कि सिंगल बेबी है या ट्विंस बेबी है, या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, कहीं आपकी जो नली होती है उसमें तो बच्चा बढ़ नहीं रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस तरीके से, या आपकी बच्चेदानी में है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं, बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, डॉक्टर को देखनी पड़ती हैं। इसी वजह से आपका पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ना दिखने के कारण मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं 2 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराऊँ, एंड देन मैंने 2 हफ्ते बाद मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, जिसमें मेरी बेबी की एज 8 वीक्स एंड 5 डेज आई थी और देन हार्ट बीट भी आ चुकी थी। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये ADB एडवाइस होता है, फॉलो अप USG आफ्टर 2-3 वीक्स। USG मीन्स अल्ट्रासाउंड ही होता है। तो आपको 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाना था, तो मैंने कम्प्लीटली 2 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड अपना करवाया था, एंड देन हार्ट बीट आ चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हार्ट बीट नहीं आई है तो हमें टेंशन लेके बैठ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही रहिए जैसे कि आप प्रेग्नेंट है, हो सका 90% केसेस में तो हार्ट बीट आ जाती है, बट अगर इफ़ ऐसा होता भी है तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं। तो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।